आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेज ब्रेड ऑमलेट, वो भी बिना अंडे के। इसका स्वाद बिल्कुल जो हम ठेले पर ऑमलेट खाते हैं वैसा ही है, लेकिन इसमें अंडे का यूज़ नहीं हुआ है। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल अंडे के जैसा सॉफ्ट है। नमस्कार, होम कुक माही में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज ब्रेड ऑमलेट, वो भी बिना अंडे के। तो चलिए हम वेज ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी को शुरू करते हैं। वेज ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ हमने आधा कप जितना बेसन लिया है। इसके साथ ही हमने वेजेस ली हैं, जिसमें हमने एक चम्मच जितना बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, आधा टमाटर, एक बारीक कटा हुआ प्याज, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई और एक छोटे साइज शिमला मिर्च हमने बारीक कट करके ले लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर छोटे वाले जो हमारे पास ब्रेड होते हैं ना, बस वो छोटे वाले ब्रेड की 4 से 5 स्लाइसेस हमने ली हैं। अब सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें ये सारा बेसन जो हमने लिया था इसे हम डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अच्छे स्वाद के लिए 1 पिंच जितना काली मिर्च पाउडर और 1 पिंच जितना लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम इन सारी वेजीज को डाल देंगे। मेरे पास जो जो वेजीज थे फिलहाल वो सारी हमने यूज़ की हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ प्याज टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसन को अच्छे तरीके से सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक बढ़िया स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, वरना बेसन में लम्ब्स पड़ जाएंगे। हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए बैटर, इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। और जब ये बिल्कुल स्मूथ हमारा बन जाएगा तो हम इसमें एक साथ पानी डालकर बिल्कुल इसकी देखिए ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें बैटर बिल्कुल पतला ही बना करके लेना है। अब ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया, तो हम इसे फाइनल टच देने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पैन चढ़ा दिया था, गरम हो गया है। इसमें हमने 1 चम्मच जितना तेल डाला और इसे हम बढ़िया से इस तरह से पूरे पैन में फैला देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर जो स्लरी बना कर रखी थी उसे हमें इस तरह से स्प्रेड कर देना है इक्वली चारों तरफ। तो देखिए इस तरह हम पहले डालेंगे, फिर ऐसे पैन को उठा करके फैला देंगे। बहुत आसानी से ये फैल जाता है। उसके बाद कलछी से देखिए मैं इस तरह से फैला दे रही हूँ ताकि वेजीज जो हैं वो एक जगह ना रहे, एक साथ वो पूरे ऑमलेट पे फैल जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सही रहेगा बिल्कुल। और यहाँ पर इसे हम ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ऐसे ही लो फ्लेम पे। यहाँ लगभग हमने 3 मिनट पकाया है और ये बनकर नीचे से बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ हम ब्रेड लेंगे और यहाँ हमने जो खोल बना कर रखा था बस उसमें इस तरह से डिप करेंगे और ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम इसे वापस से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद एक स्पैचुला लेंगे, बहुत आसानी से ये छोड़ देता है पैन को, और बस उठा करके उसके साइड्स हम ऐसे ब्रेड पर रख देंगे। दूसरे साइड को भी सेम प्रोसेस से हम उठाएंगे और ब्रेड के ऊपर ऐसे रख देंगे। ब्रेड को हमें कवर कर देना है इससे, तो इस तरह से हम कवर कर देंगे। इसके बाद दोनों ब्रेड को उठा करके हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम एक ब्रेड को उठाएंगे और दूसरे ब्रेड के ऊपर हमें उसे रख देना है। बिल्कुल आराम से वो हो जाएगा और बस पलट पलट करके हमें इससे बढ़िया तरीके से दबा दबा के बढ़िया लाल होने तक पका लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से रहने दीजिए। बिल्कुल इसका कलर जो है वो रियल ऑमलेट जैसा ही लगेगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा लाल कर दे रही हूँ, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस इस तरह से दबा दबा करके हमें इसे बढ़िया लाल होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला ब्रेड ऑमलेट जो है वो बन करके तैयार है। सेम प्रोसेस से मैंने दूसरे ब्रेड ऑमलेट को भी बना लिया। तो ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी सुपर इजी इवनिंग स्नैक बनकर तैयार है। देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा इजी है बनाना। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप इसे अपने डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। इसका कलर, टेक्सचर, हर चीज़ बिल्कुल रियल ऑमलेट जैसा है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने इसे बिना अंडे के बनाया है। तो आप इस तरह से वेज ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, हमें ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि हमें आपके लिए अगली रेसिपी कौन सी ले आनी है। थैंक यू।